नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट पर। किसान साथियों, आज हम जान लेते हैं बारा मंडी की सभी कृषि जिनसों के भाव के बारे में, सभी फसलों के भाव के बारे में बात करेंगे किसान साथियों। और आज किसान साथियों 18 दिसंबर 2021 शनिवार का दिन है किसान साथियों। और अभी तक आपने हमारे चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारी डेली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सभी किसान साथियों को मिल सके। सबसे पहले हम बात करें किसान साथियों आवक की पोजीशन के बारे में, तो लगभग जो लहसुन की आवक हमें देखने को मिली है किसान साथियों, वो लगभग 3500 से 4000 कट्ठों के आसपास देखने को मिली है बारा मंडी में। वहीं बात करें किसान साथियों यानी कि लहसुन की तेजी मंदी की, तो लहसुन के मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहे हैं किसान साथियों। लहसुन के बाजार में लगभग 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की मंदी देखने को मिली है किसान साथियों। वहीं बात करें किसान साथियों यानी कि जो धान के बाजारों में, तो धान के बाजारों में भी 50 रुपये प्रति क्विंटल तक की नरमी देखने को मिली है। सोयाबीन के बाजार 100 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज देखने को मिले हैं। सरसों के बाजार 50 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज देखने को मिले हैं किसान साथियों। वहीं बात करें पूरी फसलों की आवक की, तो लगभग यानी कि 30 से 35 हज़ार बोरी के आसपास हमें सभी फसलों की आवक देखने को मिली है किसान साथियों। तो देख लेते हैं किसान साथियों कौन सी फसल किस भाव तक बिकी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें किसान साथियों सोयाबीन की, तो 4000 रुपये से लेकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है सोयाबीन। सॉरी किसान साथियों 4000 रुपये से लेकर 6450 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है। उड़द बाजार की बात करें तो 4000 रुपये से लेकर 6600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। धान सुगंधा 2200 रुपये से लेकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धान पुसावन 2500 रुपये से लेकर 2600 तक बिका है किसान साथियों। धान 1509 2800 रुपये से लेकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धान 1718 2800 रुपये से लेकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धान 1121 2900 रुपये से लेकर 3300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। वहीं बात करें किसान साथियों हरे मूंग की, तो 5500 रुपये से लेकर 6400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। सरसों भाव की बात करें तो 6800 रुपये से लेकर 7300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है सरसों। चना देसी 4400 रुपये से लेकर 4500 तक बिका है। चना डंकी 4000 रुपये से लेकर 4200 तक बिका है। चना गुलाबी 4300 से 4500 के बीच में बिका है। चना मौसमी 4200 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। मक्का भाव की बात करें तो 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है। गेहूँ मील की बात करें तो 1900 रुपये से लेकर 1950 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। वहीं गेहूँ टुकड़ी की एवरेज की बात करें तो 1900 रुपये से लेकर 2000 के बीच में देखने को मिली है। गेहूँ बेस्ट टुकड़ी 2020 से 2050 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है किसान साथियों। धनिया की बात करें तो 6000 रुपये से लेकर 7000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धनिया रंगदार 7000 रुपये से लेकर 8300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। अलसी की बात करें तो 8000 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिके। मसूर भाव की बात करें तो 5000 से 5400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। तिल्ली भाव की बात करें तो 7500 रुपये से लेकर 10500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिके। मेथी की बात करें तो 6000 रुपये से लेकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिके। बाजरा भाव की बात करें तो 1300 रुपये से लेकर 1750 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। सब्जी मंडी में प्याज की बात करें तो 500 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। लहसुन भाव की बात करें किसान साथियों, तो ऊपर में जो देसी लहसुन बिका है किसान साथियों यानी कि जो 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। देसी लहसुन ऊपर में हाइएस्ट, देसी लहसुन का बढ़िया फूल गोला माल 3000 से 4000 के बीच में बिका है। देसी लहसुन बढ़िया लड्डू माल 2500 से 3000 के बीच में बिका है। देसी लहसुन हल्का लड्डू माल 2000 से 2500 के बीच में बिका है। देसी लहसुन मीडियम क्वालिटी माल 2000 से 2500 के बीच में बिका है। एवरेज भाव की बात करें तो 2000 से 3000 के बीच में देखने को मिल रहा है किसान साथियों। देसी लहसुन का हल्का माल 700 से 1000 के बीच में बिका है। चर्री क्वालिटी माल 800 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में बिका है किसान साथियों। ये थी किसान साथियों बारा मंडी की पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।